मैं कोई भी सिलेबस में चेंज करने का अभी पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जहां इस प्रकार से विवादित अंश हैं और जिनको जानबूझ करके हमारी जो अभी पीढ़ी है उसको गलत दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं या हमारे पूर्वजों के बारे में भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं और महापुरुषों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ऐसे अंश हैं तो उनको हटाना चाहिए। जैसे अकबर महाने साहब, क्यों महाने अकबर, तो मीना बाजार लगाकर माँ बहन को उठा के लिए बलात्कार ही था, महान कैसे हो सकता है। और फिर महाराणा प्रताप रहा वो युद्ध कर रहे हैं, तो महाराणा प्रताप तो हमेशा देश के लिए मेवाड़ के लिए लड़े हैं, तो उनसे आगे झगड़ा करने वाले तो देश का हितकारी कैसे हो सकता है। मैंने सुना था कुछ साल पहले कि साहब कुछ पुस्तकों में ऐसे ही पढ़ाया जाता था कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह तो आतंकवादी हैं, हमारे देश ऐसे क्रांतिकारियों को देशभक्तों को आतंकवादी पढ़ाएंगे तो हमारे लोगों बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी दिशा क्या हो जाएगी। वीर सावरकर तो देशभक्त है ही नहीं, ये कैसे मान लेंगे हम। और वो तो पहाड़ी शिवाजी ऐसा पड़ा है, ऐसे अंश होंगे तो हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन अंशों को हम विलोपित करें। सच्चे की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सोच हमेशा राष्ट्रीय रहता है, देश हित में रहता है, समाज हित में रहता है। मैं कहता हूं पूरे देश को वो उसी एजेंडे पे काम करना चाहिए, वो एजेंडा आरएसएस का नहीं, वो एजेंडा होता है पूरे देशवासियों का होता है, वो ये कहता है एजेंडा